मैं थैंक यू कहना चाहूँगा यार, मैं एक्चुअली स्पीचलेस हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। मैं कभी ऐसा या तो डायरेक्टर बन के आता हूँ या फिर कोरियोग्राफर बन के आता हूँ, ये पहली बार मुझे ऐसे तरीके से आता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए। बट आई एम वेरी हैप्पी कि गाना अच्छा हो रहा है। सो सारी टीम की मेहनत, मचाओ वालों की मेहनत एंड पुनीत की मेहनत, कहाँ रंग लाई है सनी जो इतनी मेहनत की है उसने, सबके रंग, सबका मेहनत रंग लाया। बहुत कमाल माहौल था एंड आई एम वेरी वेरी लकी टू बी स्टैंडिंग बिटवीन सनी एंड भूमि। इट्स अमेजिंग क्योंकि दोनों के दोनों टैलेंटेड है, एक कमाल की सिंगर है, एक कमाल की एक्ट्रेस हैं और मेरे साथ काम किया उन्होंने, सो उसी के लिए थैंक यू। बट मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने अभी किया है वो फेवरेट हुक स्टेप है, जिसको भी देखो वो कर सकता है, सिंपल स्टेप है जो पुनीत ने रखा है। सो एवरी वन कैन डू नाच 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 नाच, यू नो, वेरी सिंपल। मैं मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने कहा कि यार आप लोग को जो करना है आप लोग ने सोचा है तो जो कुछ भी आपको करना है आप करिए। सो मैं बिल्कुल भी डायरेक्टर का वो हो गया था, मैंने बोला जो करना है डायरेक्टर को वो करेंगे। सो उन्होंने ही डिसाइड किया ये पहनना है, मैंने पहन लिया, ये करना है मैंने कर दिया, ऐसे बाल करने मैंने बाल कर दिए एंड देन फाइनली जब लुक देखा तो मुझे लगा कि अमेजिंग है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच एंड आई लव ऑल माय फैंस। इनफैक्ट मेरे फैंस नहीं है, मैं उनको फैमिली बुलाता हूँ, फ्रेंड्स बुलाता हूँ क्योंकि वो मेरे दिल के करीब रहते हैं। सो वो मेरे दोस्त हैं, नॉट फैंस। ऑफकोर्स अभी से आने शुरू हो गए, मुझे काफ़ी सारे टैग्स आ गए हैं, काफ़ी सारे रील्स बनना शुरू हो गए। सो आई एम होपिंग कि इसकी रील का एक ट्रेंड निकले एंड सभी लोग ये करें एंड मैं भी करूँगा जल्दी, और फिर आप लोग को भी देखूँगा मैं करते हुए। थैंक यू सो मच।